हेलो एवरीवन, वेलकम टू एए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं इससे खान और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज के इस वीडियो का टारगेट आपको 25 में से यानी कि 25 सवाल में से आपको 25 सवाल सही करना है। लो, आपका एक ऐसा चैलेंज दे दिया हूँ जो आप लोग बिल्कुल कंप्लीट करोगे, क्योंकि मुझे जो है ना आप पर भरोसा है, आप पर, जो बिल्कुल मैं आपको बोल रहा हूँ, आप पर मुझे भरोसा है कि आप 25 में से 25 सही करोगे। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन जो है आपका हिस्ट्री से है, हिस्ट्री से ही सवाल है, कोई पॉलिटिकल साइंस नहीं है, कोई ज्योग्राफी नहीं है, बल्कि पूरा सवाल हिस्ट्री का है और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को गवाए। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है, वीडियो इस चैनल पर जो लाइव क्लास चलता है ना, टाइम है सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे, दोनों टाइम मैं आपको बता दिया हूँ, दोनों क्लास ज्वाइन किया करो। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। ओके, देखो सबसे पहला नंबर सवाल कहता है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। देखो जो बंदे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उसके लिए भी यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेट है, तो फटाफट बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बताओ। इटली एंड जर्मनी करेंटली कम अंडर विच कॉन्टिनेंट, बताओ ये किस महादेश के अंतर्गत में आते हैं, किस कॉन्टिनेंट के अंतर्गत में आते हैं। ऑप्शन देखो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल यूरोप के अंतर्गत में आते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन। उम्मीद है कि आपका पहला क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट गया होगा। देखो अगर आप थंबनेल में अगर देख के आए हो ना, चैलेंज में मैं 25 में से 25 सही करूंगा, तो बिल्कुल 25 में से 25 सही करना और जाना मत वीडियो को छोड़ करके। और मैं आपको एक टारगेट देता हूं, इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है ना, वो आपको 1000 लाइक फटाफट आपको कंप्लीट करना है। तो जितने भी बंदे देख रहे हैं ना, देखो यार लाइक बहुत कम है, आप लोग बहुत कम लाइक किए हो। जो बंदे लाइक नहीं किए हो ना, आप भी जाकर के लाइक करो, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हो अब भी सब्सक्राइब करो। 25 में से 25 आपको सही करना है। ठीक है, मेरे जैसा जिद्दी लड़का बन जाओ यार, मजा आ जाएगा। चलो देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल कहता है, फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। यानी कि फ्रांस में जो है किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, फटाफट बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ। फाउंडेड इन फ्रांस बाय द वियना कांग्रेस, ऑप्शन देख लो और कमेंट करके बताओ फटाफट। मैं आपको देता हूं 5 सेकंड का वक्त। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, बुर्बो वंश। बिल्कुल हमारा जो सही आंसर होगा ना, बुर्बो वंश यानी कि बुर्बो डायनेस्टी, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल यहाँ क्या बोला था, विच डायनेस्टी यानी कि किस वंश का जो स्थापना किया था वियना कांग्रेस के द्वारा, तो बुर्बो वंश का स्थापना किया गया था, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें मैं टाइम बहुत कम दूंगा। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था, फटाफट बताओ किस संगठन से था मेजिनी का संबंध रिलेटेड, ये किससे था बताओ फटाफट। लाल सेना से, कार्बोनरी से, फिलिक हेटारिया से या डायट से, इस क्वेश्चन का सी बी ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन। मेजिनी का संबंध जो है ना कार्बोनरी से था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस वीडियो का टारगेट आप लोग कंप्लीट कर दो और फाड़ दो, इस वीडियो को आप लोग टारगेट देता हूं 1000 लाइक यार, जल्दी से कंप्लीट कर दो और 10,000 व्यू इस पे कंप्लीट होना चाहिए, ये मैं आपके हाथों में दे दिया हूं, अब आप जैसे भी कंप्लीट करो। ओके, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा चौथा नंबर सवाल, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, पर्सा, फटाफट बताओ इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया किसके बीच था, इटली एवं जर्मनी। ओहो बैटरी क्लोज हो गया, कोई बात नहीं, मैं चार्ज लगाता हूँ, टेंशन मत लेना। ओके, ये हुआ आपका बैटरी चार्ज। ओके, बताओ कमेंट करो, इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था, ऑस्ट्रिया था, सी ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपका, चार्ज हो रहा लैपटॉप, टेंशन मत लो।
ओके अब ये हिल क्यों नहीं रहा? अगला क्वेश्चन कैसे आएगा? 1 मिनट डियर, 1 मिनट मैं देखता हूँ ये क्या हुआ। ओके हिल गया। चलो बताओ 5 नंबर का आंसर बताओ। होता है कभी कभी ऐसा जो कि कनेक्ट नहीं हो पाता है। 5 नंबर सवाल का आंसर बताओ। कॉन्ट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? किस पद पर अपॉइंटेड, फटाफट बताओ किस पोस्ट पर, यानी कि किस पद पर विक्टर इमैनुअल को नियुक्त किया था कॉन्ट काबूर ने? सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ना प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री, पीएम। क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। बिल्कुल देखो इजी क्वेश्चन है, वक्त बहुत कम दे रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मैं वक्त बहुत कम दे रहा हूं कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए 10 सेकंड का वक्त दूंगा। 5 सेकंड बहुत काफी है। क्वेश्चन जैसे मैं पढ़ता हूं उसी के साथ 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 आप भी पढ़ते जाओ और आपका समय हो जाएगा उसी में, ठीक है? चलो बताओ गैरी वाल्डी पेशे क्या था? इसका तो मैं बिल्कुल 5 सेकंड का टाइम दूंगा। सिपाही, किसान, जमींदार और नाविक। बिल्कुल 5 सेकंड। तो यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वाह वाह क्या बात है। इस क्वेश्चन का आंसर का जो यानी कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर किसी बंदे का गलत नहीं गया। बिल्कुल डी ऑप्शन राइट होगा। डी ऑप्शन, नाविक मतलब होता है नाव चलाने वाला। गैरिवाल्डी पेशे से क्या था? गैरिवाल्डी पेशे से जो था नाविक था, याद रखिएगा। व्हाट वाज द गैरिवाल्डी बाय प्रोफेशन? ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर सवाल कहते हैं, जर्मन रैन राज्य का निर्माण किसने किया था? बताओ यार क्या इसका राइट आंसर होगा। हु क्रिएटेड द जर्मन रैन राज्य? इसका निर्माण, क्रिएटेड मतलब होता है निर्माण करना, ठीक है? तो यहां पर देखो लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड और बिस्मार्क। जर्मन रैन राज्य का निर्माण किसने किया था? फटाफट बताओ जितने भी बंदे। वीडियो को छोड़कर मत जाना और लाइक कर देना फटाफट। 25 में से 25 आपको सही करना, ये मेरा टारगेट आपका, आप लोग कंप्लीट करना, ठीक है? 7 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन रैन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर सवाल आपका कहता है, जालवेरिन एक संस्था थी, बताओ इंस्टीट्यूशन। ये जालवेरिन एक कैसी मतलब संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या पादरी सामंतों की? जालवेरिन एक कैसी संस्था थी? बिल्कुल बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, व्यापारियों की। बिल्कुल जालवेरिन, बिल्कुल हमारा व्यापारियों की। चलिए बिल्कुल वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त एवं लौह यानी कि ब्लड एंड आयरन, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? फटाफट बताओ। अवलंबन, अवलंबन यानी कि पालन करना, रक्त एवं लौह की नीति को पालन किया था। देखो ओबे मतलब क्या होता है? आज्ञा का पालन करना, तो यहां पर ओबेड हो गया। हु ओबेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? तो यहां पर राइट आंसर होगा सी, बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। इंग्लिश वाले टेंशन मत लेना, सब मैं आपको बताऊंगा। 10 नंबर सवाल आंसर बताओ, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि, व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट हैपन? देखो यहां पर ऑप्शन कहता है 1864, 66, 70 और 71। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन, तो याद रखिएगा, ठीक है? डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। डियर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश के लिए साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन, जर्मनी, यूनान, तुर्की और इंग्लैंड। इंस्पिरेशन, प्रेरणा स्रोत रहा, फटाफट बताओ किस देश के लिए? तो यहां पर देखो करेक्ट आंसर होगा 11 का, बताओ जल्दी से आंसर बताओ फटाफट। 11 का बी ऑप्शन राइट होगा, यूनान के लिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर सवाल कहता है, 1829 में एड्रियनोपल की संधि किस देश के बीच हुई थी? 1829 में एड्रियनोपल की संधि किस देश के बीच हुई थी? तुर्की, यूनान, ब्रिटेन, पोलैंड। तो आप लोग जानते होंगे, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। 1829 में एड्रियनोपल की संधि किस देश के बीच हुई थी? यूनान के बीच हुई थी। इस क्वेश्चन का हमारा
बी ऑप्शन राइट होगा। देखो यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहली तो आप लोग यहाँ पे देख लो, अगर पूछ देगा आपसे एड्रियन नोपुल की संधि कब हुई थी, तो एड्रियन नोपुल की संधि हुई थी 1829 में। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। द ट्रीटी ऑफ एड्रियनोपुल इन 1929 AD में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, फटाफट 1861, 1862, 1863, 1864। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत, फटाफट बताओ। बिल्कुल यहां पर 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था, ए ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। जी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इतना बार एग्जाम में पूछा गया है, इतना बार एग्जाम में पूछा गया है कि आप लोग पेपर में छेद करके आओगे, वो वाला देखेंगे ना, ए जोगिंदर इतना मैं खाऊंगा, यानी कि आप लोग ऐसे बोलो, इतना मैं पेपर में छेद करूंगा, इतना पेपर में छेद करूंगा कि चेक करने वाला देखते ही रह जाएगा। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस का सम्राट होता है, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, कार्ल मार्क्स का वेयर वाज द कार्ल मार्क्स, है ना, यानी कि कार्ल मार्क्स का बॉर्न जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था जी, जर्मनी में, बी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा, जर्मनी में हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अभी 25 क्वेश्चन बाकी है, अभी तो आसमान छूनी है, टेंशन मत लेना। 16 नंबर सवाल कहता है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग, फर्स्ट यूज, पहला प्रयोग कहां हुआ था, फटाफट बताओ। कम्युनिस्ट पार्टी मतलब होता है साम्यवादी शासन, रूल मतलब होता है शासन करना, ठीक है। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था, रूस, जापान, चीन, क्यूबा। 16 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रूस में हुआ था साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग। सही आंसर मिला लो सब। ओके बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर सवाल कहता है आपका, निम्नांकित में यूरोपियन समाजवादी नहीं था। लो, यूरोपियन समाजवादी बताना है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द यूरोपियन सोशलिस्ट, ठीक है। नोट अ यूरोपियन सोशलिस्ट, देखो यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था, ये कार्ल मार्क्स जो था ना, ये यूरोपियन समाजवादी नहीं था। सी ऑप्शन हमारा राइट होगा जी, बिल्कुल। अच्छा इधर है ना, और एक चीज, और कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था, जर्मनी में। ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 18 नंबर सवाल का आंसर बताओ, वार एंड पीस, इंग्लिश में भी यही होता है, और इंग्लिश वाला वर्ड को हिंदी में लिख देता है वार एंड पीस। इसकी रचना किसने की थी, हु रोट वार एंड पीस, कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, दोस्तोवस्की, एंजेल्स। बिल्कुल, इसका मैं आंसर बताने के लिए आपको वीडियो में दूंगा 5 सेकंड का वक्त। उससे पहले यार मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, 1000 लाइक जल्दी से कंप्लीट कर दो, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बताया था ना, एक मॉडल पेपर साइंस का आया था, उसमें अभी तक 2000 लाइक नहीं पहुंचा है, 1.6 यानी कि 1600 लाइक पहुंचा है, अभी 400 लाइक और बाकी है, जल्दी से उसमें कंप्लीट करो। मॉडल पेपर 2 लाऊंगा साइंस का, ठीक है, जल्दी से कर दो यार, कैसे हो करके, कुछ भी करके, ठीक है। चलो, वार एंड पीस की रचना किसने की थी, 18 का सही आंसर होगा बी ऑप्शन, टॉलस्टॉय ने की थी, टॉलस्टॉय ने की थी। अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, When did the Bolshevik Revolution take place? हाँ, take place. बताओ कब हुई थी? जी, बिल्कुल नवंबर 1917, यहां पर बी ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, लाल सेना का गठन रेड आर्मी गठन कब किसने किया था जी, Who formed the Red Army? लाल सेना का गठन किसने किया था, कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, क्रेंस्की। फटाफट बताओ, 5 सेकंड का वक्त है, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, लाल सेना का गठन करने वाला व्यक्ति है ट्रॉट्स्की, यानी कि हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन। ये देखो जी, ये देखो क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, व्हेन डिड लेनिन डाई,
मृत्यु, इसका मृत्यु कब हुआ था? 1924 ईस्वी को। नीचे देखो, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। उम्मीद है कि मैं सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं ना, मैं वादा करता हूं एक भी बंदे का ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं गया होगा, सबका सही गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रग रग में बसा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर सवाल कहता है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? बिटवीन विच कंट्रीज, यानी कि किन कंट्री के बीच ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस्क, किन देशों के बीच या किन कंट्री के बीच ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो यहां पर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी। तो याद रखिएगा किन किन कंट्रीज के बीच हुई थी, रूस और जर्मनी के बीच, डी ऑप्शन राइट होगा। ये रहा सबसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे सबसे हल्का क्वेश्चन, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? Which countries come in the Hind-Chin region? फटाफट बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? यहां पर सी ऑप्शन देखो, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अंकोरवाट का मंदिर बताओ, वेयर इज द टेम्पल ऑफ अंकोरवाट? अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? वियतनाम में या थाईलैंड में या लाओस में या कंबोडिया में? बिल्कुल इसका करेक्ट जो आंसर होगा ना, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल अंकोरवाट का जो मंदिर है ना, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मैं मतलब इतना खुश हो रहा हूं ना, मुझे अब भी पता चल गया कि आप लोगों को 25 में से 25 सही हो गया होगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देख लो और आजमा लेना, कमेंट बॉक्स में बताना कितना सही गया। ठीक है, क्वेश्चन कहता है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन में पहुंचने वाला बताओ, फर्स्ट, सबसे पहले रीच इंडो चाइना है ना, हिंद चीन में सबसे पहले मर्चेंट पहुंचने वाला व्यक्ति था पुर्तगाल। सी ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन। चलो डियर, तो यहां पर आपका जो है ना क्वेश्चन होता है समाप्त, जो कि मैं आपके लिए कितना क्वेश्चन आया था पता है आपको? 25 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए, और मैं आपको शुरू में बता दिया सारा क्वेश्चन एकदम हलवा था आपके लिए, हलवा था, क्योंकि मतलब जो बंदे हिस्ट्री को अच्छे से पढ़े होंगे ना, वो बिल्कुल सही आंसर दिए होंगे। अब मुझे कमेंट करके आप बताओगे कितना सही किया है आपका, कितना सही। मैं जो टारगेट दिया हूं आपको 25 सही करने का, क्या 25 आपको सही हुआ है? अगर आपको 25 में से 20 सही हुआ तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना। जितने भी बंदे देख रहे हो ना, हर एक बंदा नीचे लिखना कि सर मेरा इतना सही हुआ है, और वीडियो कैसी लगी वो नीचे कमेंट करके बताना है, अपने दोस्तों को शेयर करना, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। डेली क्लास होता है सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे, डेली क्लास में आया करो, आपको हर एक क्वेश्चन कराया जाएगा, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, यहां तक आपको ऑल चैप्टर, यहां पे ऑल सब्जेक्ट की तैयारी भी कराई जाती है, संस्कृत भी कराई जाती है। तो सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को, शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बस अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल, बाय बाय बाय, गुड बाय।